देखिए मैट्रिक्स सीरीज के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और क्वेश्चन नंबर वन आपको दे रखा है कि ए इक्वल टू ए आई जे, टू क्रॉस फोर का मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए ए आई जे मीन्स है कि ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है टू क्रॉस फोर ऑर्डर का, मीन्स इसके अंदर कितने दो रो है और चार कॉलम है, टू रो एंड फोर कॉलम्स, ठीक है, दो पंक्तियां और चार स्तंभ। तो मान लीजिए मैं इसको अगर इसको पूरा डिसिफर करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कितना कि A11, A12, A13 एंड A14, क्योंकि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, फोर कॉलम्स, और रो कितने हैं इसके अंदर, टू रो हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 21, A22, A23 और A24, ठीक है। तो A11 मींस फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। इसी तरह से ये आपका फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि आप इसको A24 रिकॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको बताना था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो हम इसमें एलिमेंट देंगे तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 8 एलिमेंट आ रहे हैं, दीज आर द एलिमेंट, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी आप देखो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2x4, तो इसमें दो पंक्तियां चार स्तंभ है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता तब भी एक बता सकता था, तो यू नीड नॉट टू फाइंड आउट लाइक दिस, आपको इस तरह से करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपल क्वेश्चन में कह सकते हैं कि भाई इसमें दो रो और चार कॉलम है तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स, ठीक है, यू नीड नॉट टू डू एवरीथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखे हैं, इसमें हमको ए और के फाइंड आउट करके देना है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं तो इट मींस इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है कि हमें केवल उन्हीं एलिमेंट्स को कंपेयर कराना है जिससे अपन को जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं इनको कंपेयर कराने से तो फायदा तो है नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको कंपेयर करा दिया, ये कौन सी पोजीशन है, 2-2 पोजीशन है, ये 2-2 पोजीशन है, तो 2-2 पोजीशन को कंपेयर करा दिया, तो हम क्या है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर आप देखेंगे मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे k माइनस 6 का वैल्यू कितना है, -4, और अगर आप यहां से देखोगे तो k प्लस 4 कितना है, a है, तो यहां से आपको k का वैल्यू कितना मिलने वाला है, यहां से 2 मिल जाएगा, और k प्लस 4 इक्वल टू कितना, a, तो यहां से k का वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 2 प्लस 4 इक्वल टू a हो गया, तो यहां से a का वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है, k का वैल्यू कितना, 2, और a का वैल्यू कितना हो गया, 6। तो इस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आपके पास जो भी अननोन वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने टू क्वेश्चंस उस कॉर्नर में लिख रखे हैं जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। समटाइम्स आपको नजर आएगा कि भाई कुछ ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास कंपेरेबल नहीं है, तो आप केवल उन्हीं को कंपेयर कराएं जिससे आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। फॉर एग्जांपल कि ए प्लस बी 6 के इक्वल हो जाएगा और ए बी 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो आप इन दोनों कंपेयर करा लें, कोई रिलेशन बनता है तो उससे बना लें और ए और बी के वैल्यू फाइंड आउट करके दें, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमको बता दें, हम आपको उसको अपलोड करके दे देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन उस तरह से है, तो आपको सभी को एलिमेंट को कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपको जो दे रखा है उसके अंदर ऐसे a माइनस b, a माइनस 2 इज इक्वल टू दिस, तो अगर जैसे मैं 2c इक्वल टू 6 कंपेयर करा दूं तो c यहां से कितना आएगा, 3 आ जाएगा, या यहां से कंपेयर करा दूं 3 आ जाएगा। तो आपको बार बार ऐसा नहीं करना है, सिर्फ आप एक देखें हमें कहां से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मैं यहां से bc इक्वल टू 3 भी कंपेयर करा दूंगा क्योंकि ये नॉन मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो c मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया तो b मेरा फाइंड आउट हो जाएगा, इज इट क्लियर। और अगर मान लीजिए मैं इसको इसको कंपेयर करा दूं तो a माइनस 2 इज इक्वल टू b, और b का वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा, तो हम a का वैल्यू भी फाइंड आउट करके दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल टू कितना है, 6 है, तो हमको पॉसिबल ऑर्डर ऑफ a बताना है। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ a मतलब कि इसमें कितने पॉसिबिलिटी है कि कितने रो हो सकते हैं और कितने इसमें कॉलम्स हो सकते हैं। देखिए जो 6 है आपके पास, जो 6 है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, आप 6 को ना फैक्टराइज करके देखो, कभी भी कोई नंबर दे रखा है तो उसको आप फैक्टराइज करके देखो। तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 1 into 6 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 2 into 3 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 3 into 2 भी लिख सकता हूं, मैं इसको 6 into 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ले लूं जिसमें जैसे मैंने अभी डिस्कस करके ऊपर बताया था आपको
कि जिसमें एक रो हो और सिक्स कॉलम्स हो, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, सिक्स होंगे। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसा है इसके अंदर टू रो है और थ्री कॉलम्स है, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, सिक्स होंगे। कोई मैट्रिक्स ऐसा है इसमें थ्री रो है टू कॉलम्स, उसमें एलिमेंट सिक्स होंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है इसमें सिक्स रो है और वन कॉलम है, तो कैसे कितने एलिमेंट होंगे, सिक्स एलिमेंट होंगे। थोड़ा सा मैं आपको और इक्वल करा देता हूँ। देखो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें केवल एक ही रो होगा, ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। अच्छा ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा इसमें क्या होगा, केवल एक ही कॉलम, सॉरी इसमें आपके पास केवल एक ही कॉलम, एक ही रो होगा, तो ये रो मैट्रिक्स। और इसमें कितने रो होंगे, सिक्स रो होंगे, लेकिन कॉलम कितना होगा, एक ही होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे डिफरेंट है, तो ये जो मैट्रिक्स मिलने वाली है कैसे मिलने वाली है, वो मिलने वाली है आपको दोनों की दोनों आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मिलने वाली है। देखो अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर है मान लो 9, तो इसके पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, 1 इनटू 9 हो जाएगा, या फिर 3 इनटू 3 हो जाएगा, या फिर 9 इनटू 1 हो जाएगा। तो यहां से मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा, इसमें केवल एक ही रो मिलेगा, तो ये रो मैट्रिक्स। इसमें कॉलम्स कितने मिलेंगे, एक ही कॉलम मिलेगा, तो कॉलम मैट्रिक्स। और ये आप देख रहे हैं कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि तीन रो है, तीन ही क्या रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपको कि कोई मैट्रिक्स रखी है AIJ 2x2 की है और ये भी 3x4 की मैट्रिक्स है। देखो इसमें आपको क्या रैंडम आपको एलिमेंट रखा होता है, जनरल एलिमेंट, और आपको इस की सहायता से आपको मैट्रिक्स फॉर्म करके देनी होती है। देखो है क्या, जैसे हमारे पास A इक्वल टू रखा है AIJ और ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो अगर मैं मान लो इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर सिंपलीफाई कर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। तो इसमें कितने रो हो गए, 2 रो और 2 कॉलम्स हो चुके हैं, इसमें 2 रो 2 कॉलम्स 4 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। देखो अभी हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ AIJ इक्वल टू 2i - j / 3i + j। देखो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कोई A11 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप i के प्लेस पे बन रखो, j के प्लेस पे बन रखो। A12 फाइंड करना है तो आप i के प्लेस पे बन रखें, j के प्लेस पे 2 रखें। A21 फाइंड करना है तो i के प्लेस पे आप 2 रखें और j के प्लेस पे बन रखें। और A22 फाइंड करना है तो i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 2 रख दें। जैसे मैं इसको करके दिखाई देता हूं, तो A11 कितना होगा, 2 × 1 - 1 / 3 × 1 + 1, तो आपको कितना मिलने वाला है, 1/4 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 1 2 फाइंड आउट करोगे A12, तो आप i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 2 रखोगे तो 2 × 1 - 2 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपने A21 फाइंड किया तो i के प्लेस पे 2 फाइंड रखना है, j के प्लेस पे 1 रखना है, तो 4 - 1 3 मिलेगा, और ये आपको 6 + 1 कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, 3/7 हो जाएगा। और A22 आप फाइंड करोगे तो देखो 2 × 2 कितना हो गया, 4 - 2 बचेगा, और ये आपको कितना हो गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आपको कितना मिलने वाला है, 2/8 मतलब कितना मिलेगा, 1/4। तो आपको मैट्रिक्स क्या फॉर्म हो जाएगा, मैट्रिक्स बीबी की 1/4 0 3/7 और 1/4, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है कि कोई गलती हो सकती है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमको सेकंड मैट्रिक्स पूछा गया था कि AIJ इक्वल टू कितना था, A = AIJ 3x4 का मैट्रिक्स है, जिसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, 3 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो अगर मान लो आपको मैट्रिक्स बना दी तो क्या बनने वाला है, A11 A12 A13 ठीक है, और A14। दूसरा रो क्या आएगा, A21 A22 A23 और A24, ठीक है। ये क्या आएगा, A31 A32 A33 और A34 आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, जैसे A11 फाइंड करना है सेम वही तरीका, सारे वैल्यू फाइंड कर लो और यहाँ रख दो, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आप डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दे रखा है कि A = AIJ 2x3 का मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, इसमें A का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए 2 मतलब ये 2 रो है और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स, ठीक है। तो A11 A12 A13 3 कॉलम्स, और A21 A22 और A23 ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम। अभी आप जैसे A11 फाइंड करोगे तो 1/2 जहां पे i है वहां 1, जहां j है वहां 1 रखना आपको, तो कितना होगा, 2 × 1 - 3 × 1, तो 2 - 3 कितना मिलेगा, -1 - 1 का मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा, 1/2 आपका आंसर आएगा।
ऐसे मान लो आपको 1 2 फाइंड करना है, तो 2 इनटू 1 2 हो जाएगा, 3 इनटू 2 कितना होगा 6 होगा, 2 माइनस 6 करोगे अब माइनस 4, मॉडुलस लोगे तो 4 आएगा, 4 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a12 आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल जा रहा है। a आप 13 फाइंड कर लो, तो देखो 2 इनटू 1 और माइनस 3 इनटू 3, तो 2 माइनस 9 करोगे तो 7 मिलेगा माइनस का, मॉडुलस लोगे तो 7 आ जाएगा, 7 बाई कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। फिर आप फाइंड कर रहे हो क्या, फिर आप फाइंड करोगे a21, यानी 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, तो 1 बाई 2 आएगा। a22 मतलब 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6 करोगे तो माइनस 2, माइनस 2 का मापा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बाई 2 कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। a23 मतलब कितना होगा, देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो 4 माइनस 9 करोगे तो कितना मिलेगा आपको माइनस 5, मॉडुलस लेंगे तो कितना मिलेगा 5 बाई 2। और ये सारे के सारे वैल्यू आप मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है 1 बाई 2, 2 7 बाई 2, ठीक है, और ये 1 बाई 2 और ये कितना 1 मिलेगा और ये कितना 5 बाई 2, इस तरह से मैट्रिक्स मिल जाएगा एज इट इज। देखो ये दोबारा से मैंने क्वेश्चन उसी तरह का उठाया जिसमें आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसमें आपको मैट्रिक्स दिया रखा होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे होते हैं और आपको क्या फाइंड करना होता है कि अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखो ये मैट्रिक्स कितने का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स कितने का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो दीज मैट्रिक्स कैन बी कंपेयर्ड, तो मैं लिख रहा हूं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स की इक्वालिटी अगर आप देखोगे तो देखो हमको फाइंड करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स वाई जेड और पी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो हमको ध्यान रखना है कि हमको ऐसी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है से बहुत इजी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सके। देखो मैं a11 एलिमेंट को कंपेयर कराऊंगा तो 2x कितना हो गया 4 हो गया, तो यहां से मुझे x का वैल्यू कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। अगर मैं a12 एलिमेंट को कंपेयर कराऊंगा तो कितना मिल रहा है 3x + y कितना 5, यहां से मैं x का वैल्यू 2 पुट कर देता हूं 6 आएगा उधर ले जाऊंगा तो माइनस 1 देगा आपको y का वैल्यू, तो y का वैल्यू माइनस 1 आ गया, काफी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। इसको इससे कंपेयर कराओगे आप तो माइनस x + z माइनस 4 हो गया, और यहां से आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस 2 आप उधर ले जाओगे तो z का वैल्यू कितना देगा आपको माइनस 2 देगा। फिर नेक्स्ट आप अगर इन दोनों की कंपेयर करा देंगे तो यहां से कितना मिलेगा 3y माइनस 2p इक्वल टू कितना माइनस 3, y का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया माइनस 1 यहां रखोगे तो माइनस 3, उधर ले जाओगे तो माइनस 3 कैंसिल कर दोगे तो यहां से p का वैल्यू कितना मिलने वाला है 0। तो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ x y z, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू माइनस 1, z का वैल्यू माइनस 4, t का वैल्यू कितना मिला 0, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप क्वेश्चंस में इनको ट्राई कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस से मैट्रिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, जस्ट फंडामेंटल ऑफ द मैट्रिक्स आपको बताया जा रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम तो बताइए, वैसे कोई हार्ड नहीं है और इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।